वहां पड़े आईटी रेड पर सार्वजनिक रूप से सफाई दी। आदमपुर में अपने परिवार सहित पहुंचे कांग्रेसी नेता बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने हमेशा साफ सुथरी ही राजनीति की है, मेरे पर आज तक कोई दाग नहीं लगा, सरकार मेरी छवि खराब करना चाहती है। मैंने हमेशा बहुत ही ईमानदारी की, स्वाभिमान की और सिद्धांतों की राजनीति की है। मुझे नहीं पता जिस प्रकार की खबरें या अखबारों में टीवी में छिपा रहे हैं, काले धन की बात है या और बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात। मैंने पाक साफ रखा है। जिंदगी में मैं किसी सरकारी पद पे नहीं रहा, कभी मंत्री नहीं रहा, मुख्यमंत्री नहीं रहा, कोई और पद पे रहा। काला धन आएगा कहाँ से, खाना घर कमाएगा कहाँ से, कुछ कोई बच्चा भी समझ सकता है इस बात को। लेकिन मेरी छवि खराब करने का बहुत जबरदस्त साजिश हो रही है। बिश्नोई ने आईटी रेड पर खुलकर अपनी सफाई देते हुए कहा कि उनके पास कोई हीरे की खान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज तक कभी विदेश नहीं गया, मुझे बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। मेरे लुगाई का एक ही रंग अंगूठी है भाई, ब्याह में दिया है। पासपोर्ट भी सरकार के पास, मेरे परिवार में मेरे वो भव्या, मेरा पूरे परिवार में कोई भी आदमी जिंदगी में साउथ अफ्रीका जाना दूर की बात है, वीजा ही लगाना कोई बता दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा उसी वक्त। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के यहाँ आयकर विभाग ने हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल समेत 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स की टीम को बिश्नोई के यहाँ से विदेशों में करीब 200 करोड़ की संपत्ति की जानकारी मिली। तभी से बिश्नोई बीजेपी के निशाने पर है। R9 TV हिसार से रुद्रा राजेश कुंडू की रिपोर्ट। जिन्दा भाई। जिन्दा भाई। जिन्दा भाई।